अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ ज्वेरिया। वेलकम टू दुनिया विद ज्वेरिया। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। आई होप आपको आज की वीडियो भी बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें और आप मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस को देख सकें। और यहाँ पे फातिमा खाना खा रही है और अपने क्राई बेबी को भी खिला रही है साथ साथ। और आज हमारे किचन में बन रहा है कीमा और करेले का सालन। इसकी भी मैं आपको झटपट सी रेसिपी बताऊंगी। सबसे पहले मैंने प्याज को चॉप करके फ्राई होने के लिए रख दिया है। फ्रेंड्स, कीमा बनाने की रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ, मैं इसको भी सेम वैसे ही बनाऊंगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को विज़िट नहीं किया तो प्लीज़ उसको विज़िट कीजिए, उसमें आपको मेरी रेसिपी मिल जाएगी हाउ टू कुक आलू कीमा। तो इसमें मैं आलू नहीं डालूंगी, इसमें मैं करेले डालूंगी। तो कीमा बनाने की रेसिपी मेरी सेम वैसी ही है, आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे हो रही है हमारे घर की साफ सफाई। मुझे एक अच्छी सी मेड मिल गई थी, उसके साथ मिलके मैं भी घर की साफ सफाई करवा रही थी, साथ में खाना बना रही थी। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कितनी आसानी से मैं साथ साथ खाना बना रही हूँ और साथ साथ सफाई सुथराई भी करवा रही हूँ। मेरे घर में ये वाइट कलर के लेदर के सोफे हैं, इनकी मैं मंथली सफाई करती हूँ डोमेक्स पानी में डाल के, और स्पंज के साथ इनकी अच्छे से सफाई की जाती है ताकि जो भी स्टेन वगैरह हो वो रिमूव हो जाए। और ये कुछ मलाई मैं जमा कर रही हूँ देसी घी बनाने के लिए। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ, कुछ और जमा हो जाए फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये है फ्रीज़ किए हुए करेले जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की हुई है कि मैंने कैसे करेलों को फ्रीज़ करती हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं। अगर आप लोग भी इसी तरह फ्रीज़ करना चाहते हैं जैसे कि मैंने करेलों को फ्रीज़ किया तो मेरे चैनल पे आपको हाउ टू फ्रीज़ बीटर गॉड के नाम से वीडियो है, आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा, आपको अच्छी लगेगी वो वीडियो भी। और अभी हम लोग इन करेलों को कीमे में शामिल करेंगे। कीमा भी तकरीबन आधा पक गया है। मैं कीमे में पानी बिल्कुल भी नहीं डालती, कीमा अपने ही पानी में पकता है। हल्की आंच पे मैं रख देती हूँ तो ये पकता रहता है। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन बहुत ही मज़े का बनता है। Thank you.
करेलों को कीमे में अच्छे से मिक्स करने के बाद हम लोग इसको अब बिल्कुल हल्की आंच पे दोबारा से रख देंगे, ताकि जो भी कच्चापन है करेलों का या फिर कीमे का वो सारा अच्छे से पक जाए। हल्की आंच पे 10 मिनट के पकने के बाद ये सिचुएशन है। आप देख सकते हैं कि कीमा भी बिल्कुल गल चुका है, करेले भी, और कीमे में पानी भी बिल्कुल नहीं है, अच्छे से भुन गया है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा मैंने कितनी आसानी से कीमा और करेले का सालन बना लिया। आप लोग भी करेलों को फ्रीज़ करके ज़रूर रखा करें, और इसी तरह जब आपके घर में कोई काम हो या कोई गेस्ट अचानक से आ जाए तो आप जल्दी जल्दी से करेले निकालें और उसका सालन बना लें। कोई इसकी सफाई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले से हम लोगों ने धो के रखना है, नमक लगा के रखना है, तो बहुत काम बच जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। यहाँ पे मेहरीन जो बात कर रही थी वो दो एनिमल्स की बात कर रही थी कि कौन से एनिमल्स देखे कौन से नहीं देखे। लाइन को तो देखा, ये चर्च की बेल्स हो रही है ना। हेलो फातिमा, फातिमा, और ये मेहरीन, और ये साथ में हमारे जू है। चलो भाई आओ चले। बहुत सारे एनिमल्स अभी नहीं देखे, डॉल्फिन भी नहीं देखी। काम शाम ख़त्म होने के बाद हम लोग ज़रा बाहर निकले हैं वॉकशॉक करने के लिए, थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए। और मेहरीन बस अपनी बातों में लगी हुई है कि कौन से एनिमल्स उसने देखे कौन से नहीं देखे। और ये नीचे देखो पत्ते गिरना शुरू हो गए। हमारे पास सर्दी स्टार्ट हो चुकी है, पत्ते गिरना शुरू हो चुके हैं, और पास ही हमारे घर की ये चर्च है उसकी बेल्स हो रही हैं। एक ना रुको मुझे। आ रहा है, कोई बात नहीं, बटर प्राइस भी नेक्स्ट टाइम जाएंगे। लेकिन एलिफेंट्स देखे थे। और यहाँ पे ये लोग रोड बना रहे हैं, और इतनी स्पीड से काम हो रहा है कि आई थिंक ये स्नो से पहले पहले ये सारा काम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। हमारे पास सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं, आप लोगों के पास कैसा वेदर है ज़रूर बताइएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले सिटिंग एरिया होता था, यहाँ पे अम्ब्रेला ये वाली होती थी और लोग यहाँ पे बैठते थे एंजॉय करते थे, लेकिन अभी इतनी सर्दी है कि लोग यहाँ पे बाहर नहीं बैठ सकते, इसलिए इन्होंने ये सब कुछ इकट्ठा करके रख दिया।
माँ। हमारे पास सर्दी स्टार्ट हो चुकी है और हमें गर्मियों के दिन याद आ रहे हैं, कैसे हम लोग ऐसे ही बाहर निकल जाते थे। और ये देखें, फातिमा को हल्के फुल्के से कपड़े पहन के शॉर्ट में बाहर आई हुई है, खेल रही है। तो अभी ये दिन तो हमारे पास तकरीबन 8-9 महीने के बाद ही आएंगे, तो अभी इंजॉय करते हैं हम लोग सर्दी को। काफ़ी सर्दी हो चुकी है हाथ बाहर निकाल लो फातिमा, हाथ बाहर निकाल लो पॉकेट में से, सर्दी लग रही है हैं? अगर हाथ बाहर नहीं निकालोगी तो ऐसे ही बस स्लाइड लोगी। ओ वाओ, फातिमा ने ऐसी स्लाइड ले ली। यू वांट मोर स्लाइड? नो, सर्दी लग रही है फातिमा। ये देखो, वो देखो डोगी, वो डोगी। और ये रही फातिमा की सैंड, जहाँ पे फातिमा खेलती है। फातिमा खेलना नहीं है, हाथ तो बाहर निकालो फातिमा। फातिमा फातिमा फातिमा, क्या हुआ फातिमा? हाथ तो बाहर निकालो। नहीं नहीं, सर्दी लग रही है हाँ? इतना कुछ तो पहना हुआ है फिर भी सर्दी लग रही है हाँ? बोलो तो, सर्दी लग रही है? घर चले। वो डॉगीज देखने, आज खेलना नहीं है आपने? आज नहीं खेलना यहाँ पे? ओहो, झूले भी नहीं लेने हम? फातिमा ये देखो, मट्टी के साथ खेलना नहीं आज आपने? नहीं खेलना? क्यों?
हाँ तो बाहर निकालो। नहीं बस जा रहे हैं। ये डोगी वैसे के वैसे ही हैं, इन पे कोई नहीं फर्क पड़ता। हम लोग जो है ना वो सर्दी के मारे अब घर जा रहे हैं। चले फातिमा, चलो चलते हैं फिर। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और बताइएगा कि आपके पास वेदर कैसा है, सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं कि नहीं। हमारे पास तो हो चुकी हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़। फातिमा चलें बाहर घर पे। आज तो फातिमा को ज्यादा सर्दी लग रही है। क्यों? मैं अम्मा की तरफ देखो। चले बोलो अल्लाह हाफिज, बोलो अल्लाह हाफिज। फातिमा बोलो अल्लाह हाफिज। नहीं बोल के बताओ ना अल्लाह हाफिज। शुक्र है आवाज निकली तुम्हारी। हाँ ठीक है, बाय बाय।